चाइना चूस ली से क्या डरना। टुडे इज टू मच फन क्योंकि मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। कितनी देर लगेगी? बूट मेरे हाथ पकड़े खींच देते, चलना 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 चलना। चाय के एक्सपर्ट से पूछो। ओके ओके साहब। जर्दे वाली आंटी। हम लेने जा रहे हैं मोटोक्लिक केक। मशीन टूटी नहीं थी क्या? अरे काटा घूम गया था। लेट्स गो। हाय, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग पीपल। टुडे इज 7th ऑफ जनवरी 2021। ठीक है, okay. सुबह के बज रहे हैं 9 और हम लोग पी रहे हैं चाय। एक वीक की कंटिन्यूअस एब्सेंस के बाद वी आर बैक। एंड होप यू ऑल आर डूइंग रियली फाइन। एंड अगर फाइन नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो, देखते हैं क्या हो सकता है। और कल है मेरे मोतू का बर्थडे, आज होंगी उसकी तैयारियां। और मैं बताता हूँ आपको, ये छोटू तो बोर करता है। तो मैं आपको बताता हूँ गाइस, अभी पहले क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, 7 दिनों में हमने किया क्या और हुआ क्या। तो सबसे बढ़िया और सबसे बेकार में बताऊँ, सबसे बढ़िया बात तो ये है कि बारिश आई और मैंने कई सालों बाद ओले गिरते हुए देखे। और उसके अलावा आपको नोटिस हो रहा होगा मैं थोड़ा सा पतला हुआ हूँ, ज़्यादा पतला नहीं हुआ, मेरे में 1-2 ग्राम का फर्क आया है। लेकिन जो वेट मशीन है ना वो पूरे 1.5 किलो का फर्क बता रही है। ओह माय गॉड, मेरे को यकीन नहीं हुआ, लेकिन मेरा वजन 1.5 किलो नहीं 2.5 किलो का बता रही है। मेरा वजन 106 किलो से घट के 103.5 किलो है। उसके अलावा मैं बताता हूँ क्या हुआ। फर्स्ट दिन हमारी लड़ाई हुई, उसके बाद हमने संन्यास ले लिया कुछ दिनों के लिए। बोले कि खुद का दिमाग सही करना पहले जरूरी है, उसके बाद ब्लॉक तो होते रहेंगे। तो हमने फिर मेडिटेशन किया, योगा किया और छोटू ने लिटरली मेडिटेशन किया है शायद ये क्या 2 दिन। एक दिन क्या हो? ओ डेली करता हूँ मैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ छोटू पापी है। तो इसने एक दिन मेडिटेशन किया होगा, मैंने भी एक दिन ही किया होगा, लेकिन हम नाम लेंगे कि हमने किया है। हम वॉक रेगुलर कर रहे हैं, सुबह शाम दोनों वक्त कर रहे हैं, छोटू भी कर रहा है, छोटू बहुत फिट हो रहा है। और कल इसने वर्कआउट, कल रात को इसने वर्कआउट किया तो पेट जल्द चालू हो गया। इससे पहले भी इसने एक दिन किया था, तब भी पेट दर्द चालू हो गया था। और फिर भी मैं कर रहा हूँ। फिर भी ये कर रहा है। Yes, keep motivated guys. She is motivated. So हुआ ऐसा था कि हमारी लड़ाई हुई थी और पूरे 3 दिन चली। पहले मतलब टॉपिक जो भी था इतना खास इंटरेस्टिंग नहीं था, आप लोग बोर हो जाओगे तो बताऊंगा नहीं, वैसे पर्सनल बातें तो बताना नहीं चाहिए। तो जाना चाहोगे तो कमेंट करो, अगर लाइक 100 से ऊपर गए तो बताएंगे, बाकी नहीं बताएंगे। और अभी एक्चुअली हमारे लाइक 50 भी मुश्किल से आते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं कि हम लोग इस बारे में बात करें। देख लो 100 लाइक कर दो वीडियो। 100 लाइक। इंडो चाइना वॉर चला है, ये चाइना फीलिंग ए प्राउड इंडियन आर्मी। उसके बाद हम एक दिन बारिश हो रही थी, बारिश में हम लोग जलेबी और क्या लेके आए थे, जलेबी और फिनी लेके आए थे। एक बात मैं आपको बता दूं, हमारे पास पानी के कैंपर्स का स्टॉक आ चुका है, भयंकर तरीके से हो चुका है स्टॉक, क्योंकि जो हमारे कैंपर वाला है वो लेके नहीं जा रहा है कैंपर, वो चुपचाप रख के जाता है, इतने दबे पांव आता है, पानी कैंपर रखता है और भाग जाता है। तो हमारा खाली कैंपर का स्टॉक हो चुका है। नीचे वाले जो हमारे लैंडलॉर्ड है वो भी पूछते रहते हैं क्या मतलब, क्या पानी की वाटर की एजेंसी खोलनी है तुम लोगों को। फिर मैंने कहा कि हाँ मैं बिजनेस करने वाली हूँ, मैं दिखाऊं कितनी लाइन लगी हुई है बड़ी सारी। लेट्स गो। ये देखो, सबको लगता है पता नहीं कितना पानी पीते हैं, देखो। और फाइनली हम लोगों ने पौधे हमारे पड़ोसियों से ले लिए, जो हम घर गए थे तब उनको देखे गए थे। उस बात को लगभग महीना हो गया होगा, महीने भर तक ये पौधे उनके पास ही थे। और हमने क्या छोटू ने कल उनसे लिए हैं। हाँ, एक शहीद हो गया ना। एक शहीद हो गया। ये देखो मैंने अभी बाहर रख दिया क्योंकि ना सर्दियों में यही ठीक है, ये इनको थोड़ी सुबह की धूप मिलती है, थोड़ी फ्रेश एयर मिलेगी तो ये जिंदा रहेंगे। ये वाला डेड सा हो गया यार, ये ब्राउन ब्राउन हो गया, ये पत्तियां मरने मर गई हैं इसकी। हाँ। जल गया ये। ये ना यार खाद डालती मैंने, मतलब लेके आए थे ना खाद, तो खाद शायद अच्छी नहीं क्वालिटी की थी, तो उस वजह से ये मरा है शायद, ज्यादा हो गई। और पता है उस खाद में ना अर्थवर्म इतने ज्यादा थे है ना, तो शायद वो जड़े खा गए होंगे। ये भी हो सकता है, बट अब ठीक है, ये इसको बारिश हुई थी ना तो हमने बाहर रखा था ताकि लीचिंग हो जाए इसकी खाद की, और अब ठीक है ये, इट्स मतलब पहले एकदम पीला हो गया था, थोड़ा हरा रिकवर कर रहा है ना, रिकवर कर रहा है ये।
मोटू की जिद थी आज इस प्याले में चाय पीने की, प्याला ही बोल सकती हूँ मैं इसको, इसके बस ये लगा हुआ है हैंडल, बाकी ये प्याला है और ये ठंडा करके पीता हूँ। इतनी तेने चीनी डाल रखी ना इसमें, चीनी मन कर रहा ना, आई विल स्प्लैश इट, देखो बहुत ज्यादा चीनी है, लिटरली तू पी के देखते ना, सिप नहीं ली शायद, हिंदी चीनी भाई भाई, मैं आधी पी चुकी हूँ मेरी चाय, तो मीठी नहीं लगी मेरे को, बहुत ज्यादा मीठी लगी, मीठी नहीं है ज्यादा, तो ठंडी कर लिया आपने, लगनी थी आपको मीठी। ऐसे तर्क कौन देता है कि मतलब, मेरा एक फ्रेंड था तो हम लोग जब आइसक्रीम खाने जाते थे तो मैक्सिमम टाइम वो आइसक्रीम खाते हुए बोलता है, अरे यार ये तो ठंडी है, अरे तो आइसक्रीम ठंडी होगी ना, और चाय मीठी है तो मीठी ही होगी ना, चाहे ठंडी हो चाहे गर्म हो, ठंडी में ज्यादा लगती है, आप पता नहीं है, चाय के एक्सपर्ट से पूछो। ओके ओके साहब, ये जो लड़का है ना इसको देखो, गौर से देखिए इस लड़के को, ये लड़का, इसका काम है लड़के का सुबह सुबह जूस बनाना, गौर से देख रहा हो ना आप लोग। हाँ जूम में दिखा रही हूँ, टेंशन मत लो। तो ये जो लड़का है, इस लड़के का काम है सुबह सुबह जूस बनाना, कल भी नहीं बना, ऑल्टरनेटिव डे पे डाल रखा है, जबकि मैं जूसर मैं धोती हूँ, हाँ आपकी बात हो रही है, सब्जियां काट के जूस बनाना, जो डेली है ना कान के नीचे से मार जाते हैं। देखो जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, हो कर रहा छोटू जुलम, कर रहा छोटू जुलम, मुश्किलों में है मोटा, मुश्किलों में है मोटा, सरफरोशी की तमन्ना मन में, उठा लो यारो यारो। खो रहा घर का चैन अमन। किसकी गलती बताओ, अब सरफरोशी की तमन्ना दिल में जब उठाई ली है तो डरना क्या है, मैंने मूसली में सर डाल लिया, ये सब मूसली में सर डाल दिया, उखली में, उखली में सर डाल दिया है, मूसली से क्या डरना, तो छोटू से अब क्या डरना, चूसली से क्या डरना। ये दंगा हमारा रोज सुबह का है, जूस का, चाय बनाना मेरा काम है, चाय में कोई कोताही नहीं बरती जाती, डेली चाय मिलते टाइम पे आपको। ओ मैडम मैडम, चाय बननी होती है सुबह उठने के बाद, मतलब आधे घंटे में है ना, और छोटू चाय बनाता बनाता इतना लेट कर देता कि मेरा एक बार लंच हो जाता। झूठा, चलो भाई दुनिया जानती है, प्रोफेशनल जूस वाला है ना वो भी, आपके आगे पानी भरता मुझे, इतना स्पीड में निकाला जूस, आगे कोई हो ही नहीं सकता है ना, एकदम प्रोफेशनल लग रहे थे आप। ये देखो बंद करके भी इलेक्ट्रिसिटी बचा के भी कर रहे थे मोनो काम, कल से आ जाना अपने ढेले में। कितने रुपए का ग्लास दिया भैया, बोल नहीं सकती। 150 रुपए, 150, ओह माय गॉड वेरी महंगा आया, क्योंकि तुमको एक मार्केटिंग वाला बेचेगा तो तुमको 10 रुपए का तो बेचेगा नहीं। क्या बात है, पीना है तो पियो, नहीं तो आगे नहीं पीना आगे निकल रहे आगे इधर से बाहर। देखो लोगो, देखो पता छुटी का चीज है, क्या चीज है, यही तो चीज है। ये वो ना चीज है, ये वो चीज है जिसको हर ना चीज खाना चाहता है लेकिन वो खा नहीं पाता। मेरे को ना चीज बोल रहे हो, क्यों तू खा ही नहीं सकती अभी, तू एक भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं खा सकती, तू ये नहीं खा सकती। नहीं मैं खा सकती हूँ डेयरी प्रोडक्ट्स, बट मुझे लो कार्ब लो फैट इस तरह की डाइट में नहीं, हाई फैट होता है, फैट तो देसी घी तो अलाउ है मेरे को, बट ये नहीं है। सो हे गाइस, इट्स 4:30 इन द इवनिंग, और दिन है 7 दिसंबर, मुझे बार बार रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है, बट मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कल मोटे का बर्थडे है, तो मैंने मोटे से जिद करी कि मुझे अकेले जाने दो मार्केट, जो कि वो कभी नहीं करते, कुछ भी काम उनको छोड़ना पड़ेगा, कहीं मैं चल लूंगा साथ में चलता हूँ ना, फिर तू खो जाएगी, यो जाएगा ते वो जाएगा। मैं बताता हूँ, ये औरत इतनी ज्यादा लापरवाह है, ये मैं बताऊँ, ये अकेले रोड क्रॉस नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, इसका ध्यान नहीं देता कोई भी गाड़ी वाला उड़ा के चला जाए। और मैं बताऊँ, ये पूरी दुनिया में हर औरत का ये सीन होगा है ना, मैं जितनी औरतों को जानता हूँ मैंने सबका देखा है। अच्छा हाँ, कि वो मतलब कहीं भी खड़ी है और मतलब गाड़ी वाला पीछे से हॉर्न मार रहा है, वो खुद ही मर रहा है लेकिन को पता ही नहीं लगता, ये जैसे चल रही है वैसे चल रही है आराम से, अगला भले ही मरे। लेडीज़, यही नहीं, यही उनका शॉपिंग मॉल में भी उनका यही हाल होता है, शॉपिंग मॉल में है ठीक है सामान ले रही, अपनी धुन में पीछे से ट्रॉली वाला खड़ा, मैडम हट जाओ मैडम हट जाओ, उनको कोई सुध नहीं, आदमी परेशान हो रहा है या फिर कोई मतलब कभी कोरोना का भी चल रहा है, मैं कई बार इससे साथ जाता हूँ तो छोटे छोटे बच्चे यू कोरोना करके चले जाते हैं, वो पता भी नहीं लगता। फिर मोटू ने मेरे को उसका इलाज पता क्या बताया, और एक और चीज, हाँ एक और चीज मैं बताऊंगा, ये अगर कोई चीज संभाल रही होती है, हाँ। है ना,
तो तब इतनी कॉन्शियस होती है कि उसको संभालने के चक्कर में समझ जाती है। अगर इसके साथ मैं 2 साल का बच्चा भी भेजो ना, तो वो वैसे ये उसको संभाल रही है, पर मेरे को भरोसा है कि वो इसको संभाल रहा है, क्योंकि जब उसको संभालेगी, उसकी केयर करेगी, तो उसके चक्कर में खुद भी सेफ रहेगी, उसको भी सेफ रखेगी। बाकी अगर अकेले, हाँ बाकी अकेले तो ये। और अभी अभी कह रहा है कि तू ना वो बैग तेरा उस टाइप का लेके जाना जिसको तेरे को केयर करनी पड़े, टांगने वाला बैग, और उस पे ऐसे हाथ रखना। तो तू बैग पे हाथ रखेगी ना, तेरे को ऐसा लगेगा कि हाँ मैं कॉन्शियस रहूं, मेरा बैग है, इसमें मेरे पैसे हैं, कार्ड है, सब कुछ है। तो ये इलाज बताया मोटू, ऑल द लेडीज आउट देयर कमेंट करना और खूब बुराई करनी है आदमियों की। मुझे एक्चुअली घर का थोड़ा सामान भी लेना है, और मोटू मोटू ने मेरे को इतने आइडिया दे दिए, मैंने खुद ने सोचा कि मेरे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, फिर मैंने मुझे बहुत सोचने के बाद पता लगा कि वो पीछे लाइट आ रही है तो शॉट खराब हो रहा है, तो मैं इधर हो जाता हूँ, है ना। तो मुझे डफल बैग चाहिए, डफल बैग मेरा एक तो फट गया है, तो अभी मैं मैसेंजर बैग कैरी कर रहा हूँ, तो डफल बैग चाहिए। उसके अलावा मैंने सोचा समझा, परखा नहीं है क्योंकि इतना टाइम नहीं है और हाँ, तो मेरे को मैसेंजर बैग चाहिए, मैंने अपना ऑप्शन दे दिया, बाकी छोटू की इंसानियत पे है मेरी इंसानियत खराब होने वाली है, मैं भरोसा नहीं करती कि मैं सर रोड भी क्रॉस नहीं कर सकती अकेले, ये चाहे मानसी आपको यार। हाँ तो मैं मोटू के लिए डफल बैग तो बिल्कुल नहीं लेने वाली, मैं अपनी मर्जी से जाना चाहती थी कुछ लेने के लिए, बट मोटू मेरे को जाने के लिए भर पाया। इतनी टिप्स और ट्रिक्स बताई हैं, पता कितने ऑप्शन दे चुके हैं, तू है ना कहीं ये तो नहीं लेगी ना, ये मत लेना प्लीज, ये तो नहीं लेगी ना, ये भी मत लेना प्लीज, ये मोटू की पसंद का मैं नहीं लूंगी, एक्चुअली पसंद का। तो गाइस 4:30 हो चुके हैं, हम लोग चाय पहले पी चुके हैं, तो मोटू मेरे को ड्रॉप करेंगे नेशा हैंडलूम, और उसके बाद मोटू जाएंगे अपने जिम, और मेरे पास 1 घंटा है। लेट्स एक्सप्लोर हम क्या गिफ्ट ले सकते हैं मोटू के लिए। तो गाइज हम अभी निकल रहे हैं घर से, और आई एम गोइंग टू मार्केट, मोटू जाएंगे जिम और मैं जा रही हूँ मार्केट। टुडे इज टू मच फन, क्योंकि मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कितनी देर लगेगी, मोटू मेरे हाथ पकड़े खींच देते, चलना 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 चलना। यस चल रही हूँ मैं, चल रही हूँ मैं, चेन वेन दिख रही है, कोई छीन के भाग जाएगा, बिनी नहीं लाए। हियर वी आर डूइंग अ बाय बाय टू मोटू, ओके बाय मोटे, बाय, मिलते हैं, चल जाना। गई मोटू। सो आई एम इन द सर्च ऑफ डबल बैग, एंड वहाँ पीछे एक बैग की दुकान है, लेकिन वहाँ बच्चों के और लेडीज़ के बैग से दिख रहे हैं, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि फिर भी चेक कर लेते हैं, एटलीस्ट इससे ये पता चल जाएगा कि डबल बैग की शॉप है कहाँ। भैया डबल बैग मिल जाएगा क्या, बताओ डबल बैग दिखाओ जरा। मैंने मोटू का डबल बैग तो ले लिया है, और मोटू का भी कॉल भी आ गया, क्योंकि मैंने वीडियो कॉल किया था शॉप से उनको कलर पसंद कराने के लिए, बट उस वक्त मिस हो गया, मुझे लगा वो बाइक पे होंगे, इसलिए मैंने कर दिया था फटाफट से एक रिंग मार के। तो मोटू को मैंने बोल दिया कि मैंने ले लिया है, उन्होंने बोला चल ठीक है तेरी चॉइस शर्म आते, और अब मैं जा रही हूँ हैंडलूम के साइड, और देखते हैं एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ छोटे छोटे बहुत सारी वो स्टॉल्स लगी हैं वुलन्स की, छोटे छोटे कैप वगैरह, तो मुझे अच्छे लगते हैं एक्सप्लोर करना, देखकर ऐसे स्टोल्स होते हैं। ये देखो कितनी प्यारी सॉक्स, अंदर से इतनी सॉफ्ट और बाहर से ऐसे। आंटी कितने की है सॉक्स? अच्छा कितने की है ये सॉक्स? 50 का एक एक जोड़ी। हाँ अच्छा, इतना महंगा क्यों? तो बाकी कलर लोगे रेड या पिंक या स्किन। अच्छा 100 के 3। हाँ। सिर्फ ये एक डिफरेंट क्यों? कलर के कारण। तो मुझे मोटो के लिए मास्क लेने देख दो, क्योंकि मोटो के सारे खराब हो चुके हैं, एक भी ढंग का नहीं है। मैंने ले लिए हैं इयर रिंग्स, और बहुत ही सुंदर है ये, कल मैं पहन के जाऊंगी इनको।
दीज आर द फेमस पकौड़ीज ऑफ हैंडलूम, दाल की पकौड़ी। मुझे ऐसा लग रहा है ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, कोई मजा ही नहीं आएगा इसको खाने में। Here he comes, बोरे। ये लड्डू कुमार मूसे वाला ठंडा हो गया। ये हाथ सैनिटाइजर दूं क्या या मैं खिलाऊं? तो गाइस ये है मोटू डोसे वाला। हम लेने जा रहे हैं मोटू क्लिक केक। कौन सा चाहिए? हम केक पे मोटू लिखवा रहे हैं। से पूछ लेता हूँ मैं। कैप पसंद कर लो। कैप पसंद कर लो। ऊपर पड़ी हैं बहुत सारी। कौन सी अच्छी लग रही है? एक तो लेनी पड़ेगी। घर चलो मडो। ये बैग है ना, ऐसा लग रहा है जैसे सैंटा क्लॉस का बैग हो। गिफ्ट से लगता है कि मतलब वो स्ट्रेचेबल। हाँ वैसे स्ट्रेचेबल लगता है। कंधे पे डाल लो इसको। सैंटा क्लॉस आया, क्या लाया बैग में? चॉकलेट लाया। तो मेहरबान कदरदान साहिबान, छोटू अपने लिए लाया है कुछ अच्छी चीज लेकर आए। मैंने बोला मोटिवेशन है, देखिए आज अकेले के लिए शॉपिंग करके आई है, देखिए क्या लाई है। तो वो पोटली है ना, वो सैंटा क्लॉज वाली पोटली, कहाँ है वो, कहाँ रख दी? स्टोर में छुपा गई उसकी पोटली को, उसमें क्या है ऐसा? मेरे को दिखा और खुद उठा के लाए थे और बाहर ही छोड़ के आ गए थे। अब बाहर से लेके आए पोटली और खोल के देखा, देखिए क्या है। फिर उसमें राशन दाल चावल दिखे हैं तो छोड़ दिया अब उसको। और मैंने बोला मैं मेरे लिए भी कुछ ले गई हूँ, तो यू क्यूरियस है, दिखा। मेरा तो हर्ट फील ही हो गया था सुन के कि इसके लिए भी कुछ लाई है। मेरे को पहले ही शक था कि अकेली जा रही है तो बहुत खुड़का करवाएगी, और अभी खुद के लिए कुछ लाई है तो खुड़का हुआ ही है ऑब्वियसली। अभी से क्या कर सकता है कोई आदमी। दिखा दूं और क्या? लेप बंद। अरे क्या बात है, नाइस कोरोना वाली इयररिंग। कानों में दूर है, चलो बढ़िया है। कैसी है? बढ़िया है, मुझे अच्छी लगी, बहुत ही सुंदर है। मेरे पे गई है ऐसा लग रहा है। इसको तो आज पजा के फरवास फाड़ूंगा। मोटा हो गया, मोटा टी शर्ट आ नहीं रही है, और अब कह रहे हैं कि इसको पहन के फाड़ूंगा। और है ना, अगर आप बाहर से आए हो और आप कपड़े टच नहीं कर रहे हो अपनी बॉडी के, तो कैसे लगा के देखते हैं मोटो साइज? आपको करना क्या होता है, आपको केवल एक काम करना होता है, आपको ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मैच करना होता है। आपके शोल्डर की डिस्टेंस जो आपने ऑलरेडी टी शर्ट पहन रखी है उसकी कहाँ आ रही है। अगर आ रही है तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपको आ जाएगी। पर मुझे पता है मुझे नहीं आएगी, मैं इसको फाड़ेगा। लेकिन मैं इसको पहनेगा और मैं इसको फाड़ेगा, क्योंकि मेरी टी शर्ट है। मैं नहीं चाहता छोटू इस पे भी कब्जा कर ले। छोटू ने अभी जो टी शर्ट पहन रखी ये भी मेरी टी शर्ट है, और आज जो पहन के बाहर गई थी वो भी मेरी टी शर्ट थी, और दोनों ही ब्लैक है। वो चार ब्लैक टी शर्ट है यार। ये ऐसे ही चूना कत्था मिलाती है जब आप देख रहे थे ना, और फिर खाती है। प्रैक्टिस है इसको। हाँ हाँ यही है वो जर्दे वाली आंटी। तो बर्थडे बॉय का पोथडे तो है कल यानी 8 को, लेकिन डिमांड्स आ रही है आज से ही। तो डिमांड में ये मुझसे डिमांड की मैक्रोनी की, बहुत सी वेजिटेबल्स और एग डाल के। तो मैं बनाऊंगी मोटो के लिए मैक्रोनी, जो मैं नहीं खाने वाली हूँ। मैं सैलेड खाती हूँ आजकल रात को, यू नो।